आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। आइए आज देखते हैं कि हमारे टाइम वेस्ट करने वाले कौन सी चीज़ें हैं या टाइम वेस्टर कौन से हैं। काफ़ी सारा हमारा समय हम बर्बाद करते रहते हैं और हमको मालूम ही नहीं कि हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, और फिर हम चिल्लाते रहते हैं कि मेरा मुझे टाइम नहीं ऐसा बोलते रहते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। नंबर एक, कि लोगों को ब्लेम करने में टाइम पास करना, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने ऐसा किया, वो गलत है, अपना ओपिनियन देना, अपना जजमेंट देना और लोगों को गलत ठहराना, उसमें अपना टाइम फालतू बर्बाद करना, अपने स्टाफ को ब्लेम करना, अपने जो पार्टनर से उनको ब्लेम करना, अपने जो कोवर्कर से उनको ब्लेम करना और उसमें अपना टाइम गंवाना। ब्लेम करने की वजह क्या नहीं है, क्या मौजूद नहीं है, क्या मिसिंग है, वो हम देखते हैं और वो वहाँ लाते हैं या उसको ट्रेनिंग देते हैं, तो वो ब्लेम करने की नौबत नहीं आएगी। नंबर दो, लोग देखते कि नहीं मुझे ना मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं अभी मोटिवेटेड नहीं हूँ, मैं अभी इंस्पायर्ड नहीं हूँ, इसलिए काम करना रोक देते या काम करने की शुरुआत ही नहीं करते। तो मोटिवेशन को मतलब मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की राह नहीं देखना, वो अपनी इंटरनल स्टेट है, वो उसके ऊपर भरोसा न रखते, मतलब उसकी राह देखते कि मैं मोटिवेटेड हो जाऊंगा, मुझे अच्छा लगने लगेगा तो मैं काम की शुरुआत करूंगा, उसकी राह देखने में बहुत समय चले जाता है और वो टाइम वेस्टर है। तो वो कभी करने का नहीं है। अपना समय टाइम पे जो काम करने का है वो टाइम पे काम चालू करने का है। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की राह नहीं देखना। नंबर तीन, काम आगे ढकलना। आगे ढकलना मतलब पोस्टपोन करते जाना बिना वजह का, बाद में करेंगे, उसको बोलते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन सिंड्रोम, कल करेंगे, या क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम, कल करेंगे। तो कल करेंगे में बहुत टाइम चले जाता है और वो फिर काम बढ़ते बढ़ते जाते हैं और उसका फिर टेंशन आता है। नेक्स्ट है परफेक्ट करने की राह देखना। वो परफेक्ट जब हो जाएगा ना, मुझे आएगा तब मैं करूंगा, जब मैं एकदम बिना कुछ गलती का जब मैं कर सकूंगा तब मैं करूंगा, और उसमें काफी समय अपना वेस्ट हो जाता है। तो परफेक्ट के चक्कर में बंद पड़ो, जैसा आता है वैसा चालू करो। तो क्रॉनिक परफेक्शन सिंड्रोम होता है कि मैं जब करूंगा वो परफेक्ट करूंगा, परफेक्ट सिवाय कुछ नहीं करूंगा। फिर नेक्स्ट आइटम है कि सबको हाँ बोलना, मतलब ना नहीं बोल सकना, कि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोलना, उसमें नहीं, सबको हाँ बोलते जाना और सबको जो चाहते सबकी, मतलब उनको ना बोल सकेंगे नहीं तो वो जो काम बोलते वो करना, सबको हाँ बोलते जाना, और फिर दो वर्क आइटम्स जो है वो क्लैश हो जाते हैं और फिर टेंशन बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है काम का, क्योंकि दो काम को एक ही समय हमने हाँ बोला हुआ है, या सबको उसका भी काम करना, इसका भी काम करना, उसको भी हाँ बोलना और उसमें फिर टाइम पास हो जाना। नेक्स्ट आइटम है कि काम जो अपने हैं पूरे वो अपने घड़ी के मुताबिक शेड्यूल नहीं किया, तो वो एक टाइम वेस्टर होता है कि भाई 8 बजे काम चालू करना है, फिर 9 बजे कौन सा है, या 8:30 बजे कौन सा है, 9 बजे कौन सा है, 9:30 बजे कौन सा है, एक काम को टाइम कितना लगेगा और वो हिसाब से टाइम शेड्यूल करना अपने अलार्म में या अपने कैलेंडर में, और वो नहीं किया तो काफ़ी सारा टाइम वेस्टर होता है। फिर नेक्स्ट है कि काम की शुरुआत करने के पहले कुछ समय बर्बाद करना। जैसा मेरा 1 बजे एक कुछ काम है कि 9 बजे का है, मैं मेरा पहले वाला काम जो है वो पहले बंद कर देता हूँ, नहीं अभी तो वो 9 बजे करने का है, तो 9:45 बजे मैंने काम करना बंद कर दिया हाथ का और 15 मिनट कुछ भी नहीं करना, या फिर 10 मिनट पहले काम बंद कर देना और फिर कुछ भी नहीं करना उसके, क्योंकि वो 9 बजे का काम है। तो क्या होता है कि 5-10 मिनट 15 मिनट ऐसे वेस्ट हो जाते हैं और हमको मालूम ही नहीं रहता कि हमने ऐसे कितने मिनट वेस्ट किए। हमारा जो समय बर्बाद होता है वो घंटों में बर्बाद नहीं होता या वेस्ट नहीं होता है, मिनटों में वेस्ट होता है। जैसा कि समझो मुझे गर्म पानी से स्नान करने की आदत है, तो मेरा गीजर ऑन कर देता हूँ और ऑन करने के बाद में फिर 10 मिनट तक रुक जाता हूँ कि वो पानी गर्म हो जाएगा, बाद में मैं स्नान करूँगा। या अभी चाय पीना है, चाय बनाने के लिए मैंने पत्नी को बोल दिया, वो चाय बनाने के लिए अभी गई है, अभी वो चाय बनाने तक मैं बैठे रहूँगा। तो ऐसे काफ़ी सारे टाइम वेस्टर्स है कि जिसमें हमारा टाइम चले जाता है, प्लानिंग नहीं किया, काम का स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, दिन भर की स्ट्रेटेजी अपने पास में है तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, ताकि लोगों का जो प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट का वो निकल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।